महाकाल और काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने एक रूम बुक किया और दिन भर मस्त नींद निकालने के बाद शाम को पहुंच गए नवनिर्मित महाकाल लोक। एक एक करके हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या है। जैसा कि दिखाई दे रहा है, सबसे पहले भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण हैं, साथ में हैं शक्ति स्वरूप लक्ष्मी जी। इसके बाद यहाँ भगवान शिव सात मुखी नाग की छत्र छाया में अपनी तपस्या में लीन है और ये है महादेव के इस योगी रूप के लिए परिक्रमा मार्ग। आगे हमको दर्शन होते हैं महादेव के अवतार महाबली बजरंग बली के। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं महाकाल लोक में तो हमको दिखाई देते हैं नौ भैरव जो कि भगवान के गजासुर संहारक रूप के चारों ओर विराजमान हैं। काल भैरव इन्हीं में से एक हैं जिनके मंदिर हम गए थे। आगे ये जो पूरा सीन है मूर्ति रूप में पोर्ट्रेट किया गया है वो गंगा अवतरण का है। भागीरथ जी गंगा को लेके आए थे जिसे महादेव ने अपनी जटाओं से कंट्रोल करके धरती पर छोड़ा था। यहाँ एक ये सरोवर है जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद है भगवान नारायण का शंख जो कि बहुत ही बड़ा है। इसी प्रकार यहाँ भगवान शिव के त्रिशूल और डमरू भी हैं। हम महाकाल लोक की यात्रा कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। महादेव की यह सुंदर विशाल प्रतिमा महाकाल कॉरिडोर के एकदम दूसरे छोर पर है। इसके बाद हमें दर्शन होते हैं पंचमुखी हनुमान जी के, जय बजरंगबली। इसके बाद ये जो दृश्य दिखाया गया है वो है समुद्र मंथन के दौरान महादेव के द्वारा विषपान का। इसके बाद हम भगवान के कुछ और रूप देखने के बाद बढ़ते हैं एक अत्यंत रोचक दृश्य की ओर जो कि है भोले बाबा की बारात। क्या ही अनोखी बारात थी वो, मतलब। इसके बाद हमें दिखाई देता है ये दृश्य जो कि है शिव के द्वारा यम के संहार का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं महाकाल लोक में एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ। ये जो सेगमेंट है वो संभवतया सबसे महत्वपूर्ण, अनोखा और सुंदर है महाकाल लोक में। इसे हम आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये है महादेव का त्रिशूल और डमरू। ये जो जगह दिखाई दे रही है यहीं से हम शुरुआत करेंगे उस महत्वपूर्ण सेगमेंट की अगले एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको महाकाल लोक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि है कमल ताल या कमल सरोवर। सरोवर के बिल्कुल मध्य में भगवान शिव विराजमान हैं, उनके चारों तरफ कमल हैं। रात में यह सरोवर और भी सुंदर लगता है बिकॉज ऑफ द कलरफुल लाइट्स। इसके बाद हम जिस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं वो है सप्तऋषि मंडल। यहाँ सप्तऋषि विराजमान हैं और उनके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा है जिससे आप उनके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद ये है शिव स्तंभ जिस पर भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं उकेरी गई हैं। शिव स्तंभ सप्तऋषि मंडल के बिल्कुल मध्य में स्थित है। यहाँ से हम एक नज़र पूरे महाकाल कॉरिडोर पर डालते हैं जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ हमको त्रिपुरासुर वध का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद हम महाकाल लोक के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ नवग्रह मंडल है। इसी के साथ हमारी महाकाल लोक की यात्रा कम्प्लीट होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी भारत यात्रा के अगले एपिसोड में। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं महाकाल लोक की यात्रा पर हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि महाकाल लोक में क्या क्या है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि रात में महाकाल लोक कैसा दिखाई देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रात में महाकाल लोक की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। ये सप्तऋषि मंडल है जिसके मध्य में शिव स्तंभ स्थित है। रात में लाइटिंग की वजह से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर आप महाकाल लोक उज्जैन आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप अर्ली मॉर्निंग आएं 4-5 बजे जिससे कि आप भस्म आरती में शामिल हो पाएं, या फिर आप इवनिंग टाइम में 3-4 बजे से आएं जिससे आप दिन के समय में महाकाल के दर्शन करके महाकाल लोक दिन में भी एक्सप्लोर कर लें और उसके बाद अंधेरा हो जाता है तो आप लाइटिंग में महाकाल कॉरिडोर की भव्यता और सुंदरता का आनंद ले पाएं। ये है नंदी द्वार जहाँ से हम फाइनली एग्जिट कर जाते हैं। जय महाकाल।